नमस्कार, स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। मिदनापुर विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा की घटना सामने आई है, जिसमें हिंसा में कई लोगों की जान भी गई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसका जांच शुरू कर दिया है। शनिवार को नंदीग्राम क्षेत्र पर सीबीआई पहुंच गई और 11 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि इसी इलाके की देवव्रत मैती नाम के एक बीजेपी समर्थक का खून हुआ था। उसके घर पर जाकर कई गुंडों ने तोड़फोड़ भी की थी। इस मामले पर नंदीग्राम पहुंची सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। एनडीए ने आगामी उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत दर्ज का दावा कर डाला है। गृह जिला कटिहार के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम बिहार तार किशोर प्रसाद ने राजद परिवार दोनों पुत्रों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए हो रही वार्ता युद्ध से दिलचस्प टिप्पणी की है। बिहार के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने कहा है कि परिवारवाद के आधार पर राजद पार्टी चल रही है। वास्तव में लालू प्रसाद के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी तेज प्रताप को होना चाहिए और उसके साथ ही जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिक्रिया इस स्वरूप में आएगी। तेज प्रताप को उनका हक मिलना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री रही हैं और वो महागठबंधन की तो बात अब छोड़ दीजिए, अपने दल में भी उन्हें स्टार प्रचारक का स्थान नहीं मिल सका है। तो राष्ट्रीय जनता दल में जो परिवारवाद है, उसका जो नेतृत्व की लड़ाई है, वो इस तरह से गिर गई है कि उनके दो दो मुख्यमंत्री हैं उस परिवार में रहे हैं और वे स्टार प्रचारक के रूप में कहीं दिख नहीं रहे। थैंक यू सर। उस परिवार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीसा जी रही हैं, वो स्टार प्रचारक में नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में नेतृत्व की लड़ाई किस हद तक नीचे जा चुकी है। तो बड़ा इन दिनों कार्यवाही के अभाव में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और बीते दिनों पुलिस लाइन में एक आरक्षक के घर में चोरी हुई थी, जबकि उस समय मुख्यमंत्री दो दिवसीय प्रवास पर बेमित्रा में थे। चारों ओर उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन में ही चोरी हो गई, जहाँ चोर लगभग 2.5 लाख के गहने सहित 60 से 70 हजार रुपए नकद उड़ा ले गए। वही लोग पुलिस प्रशासन बल की नाकामी का हवाला दे रहे हैं। मिश्रा जी का मकान है, यहाँ बीती रात्रि लोग कहीं दूर गए हुए थे, सुना मकान है, चोरी हुआ है। कैश और कुछ गोल्ड के आर्नामेंट और चांदी के कुछ आर्नामेंट चोरी हुई है, एक और मोबट्टा भी चोरी हुई है। इसके लिए हमारे जो साइबर सेल की टीम है, वो इसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे और इसके पहले भी चोरियों में सफलता मिली है, उम्मीद है पकड़ लेंगे। जब आया हूँ दोपहर में तो मेरे गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर जब जाके देखे हैं तो अंदर कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ था। पहले नज़र में तो समझ में नहीं आया कि क्या है करके, लेकिन जब पूरा अलमारी और लाकर सब टूटा हुआ देखे तो इतना तो अंदाज़ा लगा कि कुछ ना कुछ घटना हुई है। और मैं तत्काल थाने में गया हूँ जाके और वहाँ जाके प्राथमिकी लिखाया हूँ और अभी जो अंदाज़ा लग रहा है उसके हिसाब से 60 से 70 हजार का लगभग नकद जो था वो गया है और सोने चांदी के कुछ जेवरात जो मेरी पत्नी रखी थी अपना वो गया है और बाकी ऐसी कोई बड़ी। बेमित्रा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में पीएम आवास निर्माण का है, जहां महिला संतोषी यादव अपने पति और बच्चों के साथ लगभग 20 सालों से जगह पर रह रही है। काबिज भूमि का महिला के नाम से आबादी पट्टा भी है, जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम कर परिवारों का पालन पोषण करती है। पीएम आवास योजना के तहत मिल रहे राशि तथा सालों से कुछ पैसे जोड़कर व कुछ कर्जे लेकर मकान निर्माण करा रही थी, जिस पर कुछ नेतागिरी करने वाले रसूखदार लोगों की काली निगाहें पड़ गई। रसूखदार लोगों ने महिला को बुरा भला कहा और मामला यहां तक पहुंच गया कि महिला को जल्दी मर्जा फांसी लगा ले जैसी
बातें और तानाकशी से तंग आकर महिला ने अपने हक की न्याय के लिए गुहार लगाई है। मैं संतोषी यादव बोलत हूँ भैया। मैं हाँ मोर 5.5 वर्ग फुट माँ ही पट्टा है, वो आवास दे है तेला बनावा थे बा में हाँ। अदर राजू देवांगन, पप्पू देवांगन और घनश्याम देवांगन मोला आग बार बार तंग करत हो, तूफान करत कि तोर घर तोड़वा दूँ फोड़वा दूँ कि आवास ला मोर जगह में कब्जा कर ले है, मोर जगह ते हाँ यह करके बनावा था आवास ला कि बोलत हूँ कि वो बोला थे मोर झमकी तमकी देवा थी। मैं कहा था कि मोर जगह में बना था जत के 5.5 वर्ग फुट में वत के हम हवा कहा था, तब मोर जगह कब्जा कर ले मोर जगह में आवास से बनावा थी, कंप्लेन लिख दी नोटिस डाल दी। अब मैं कहा था कि मोर नान नान लोग लेकर मैं हम 2 घर 4 घर बूता करके कमावा था, जत के 5.5 वर्ग पट्टा माए वत के बनावा था कहा था, तो तुम मकान ला तोड़वा दूँ फोड़वा दूँ, मैं देवांगन के औलाद ही मैं अपन मूछ ला उड़वा दूँ कि बोला थे। अब मैं तोरे नाल लेकर जहाँ मऊरा खात हम फांसी लगा के मरत हम ते खर जवाब दे रिबे कहा था मर जाते जहर खाले मऊरा खाले की कहा थे, अब कुछ भी वही तो राजू देवांगन है ओखर जवाबदारी पूरा बात बताइए। कबीरधाम के भोरम देव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कारखाना प्रबंधक और कलेक्टर को 3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसके बावजूद उनकी मांगों को लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते कारखाना के 350 कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। यूनियन के अध्यक्ष जगदीश बंजारे के मुताबिक 2014 में प्रबंध संचालक और यूनियन के बीच सहमति पारित किया गया था, जिसमें यूनियन की सभी मांगों को प्रबंधक ने पूरा किया जाना था, परंतु झूठा आश्वासन देकर उन्होंने कहा कि हमें ताक में रख दिया गया, जिससे सभी कर्मचारियों में आक्रोश दिख रहा है और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। जब सरकारें सौगात देती हैं तो आम जनमानस खुशियों से झूम उठता है, सरकार की वाहवाही भी होती है, लेकिन कभी कभी सरकार की दी जाने वाली सौगात सरकार के गले की हड्डी भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ में। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को कई नए जिले की सौगात दी। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर समेत तकरीबन 4 नए जिले अस्तित्व में आए, जिसमें 40 लोग पैदल सफर करके रायपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री से चिरमिरी को जिला बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईजी एम डब्ल्यू अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को लेकर एक बड़ी बात कही है कि जिस प्रकार बंगाल की जनता ने एवं बिहार की जनता ने एआईएमआईएम के को नकार दिया है, क्या उत्तर प्रदेश की भी जनता एआईएमआईएम को नकार देगी? एएमयू विद्यार्थी संघ के पूर्व पदाधिकारी एआईएमआईएम को चुनाव में आने की वजह से शंका की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि यह बीएसपी बीजेपी को जिताने का पूरा प्रयास करेगी और यह दोनों पार्टियां बीजेपी से मिली हुई हैं। कवर्धा में झंडा लगाने के नाम पर दो पक्षों के बीच विवाद का 7वां दिन है। कवर्धा में कर्फ्यू के बीच सुबह 10 बजे से ही लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिली, जिसमें लोग अपना काम कर सकेंगे और अपनी जरूरत की सामग्री खरीद सकेंगे, लेकिन कवर्धा नगर की सभी सीमाएं सील हैं, कोई बाहर से नहीं आ पाएगा। अति आवश्यक होने पर पूरी चेक इन और अनुमति पत्र दिखाए जाने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। शहर की स्थिति पहले से सुधर गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तारीख से और 5 तारीख की जो घटनाएं हुई हैं कवर्धा शहर में, उसमें अभी तक 7 FIR हुई हैं, जिसमें दोनों समुदाय से मिलाकर 93 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एक समुदाय से 16 और दूसरे समुदाय से 77 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। और लगातार जो एविडेंस हैं, वीडियोस, फुटेजेस हैं और बात सोशल मीडिया पोस्ट और जो हमारे पास एविडेंस है, लगातार उसका एनालिसिस हो रहा है और लगातार टीम्स उस पर काम कर रही है जी। अभी लगातार इस पर काम चल रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। राजधानी शहर के प्रथम नागरिक नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज डेबर ने शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिवक्ता गांधीवादी चिंतक कमल नारायण शर्मा को उनकी 99वीं जयंती मनाई गई, साथ ही गरिमामयी आयोजन में पहुंचकर उन्हें सादर नमन कर समस्त राजधानी वासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर
ड्राइवर ने कहा कि कमल नारायण शर्मा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति समस्त नागरिक देश की आजादी के आंदोलन में दिए गए, और उन्होंने कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा के जीवन से सभी नागरिकों को जीवन में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु सकारात्मक प्रेरणा शक्ति मिलती रहेगी। उपचुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभय सिंह चौटाला पर हमला बोला है। बलराज कुंडू ने कहा है कि यदि किसानों के हित में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री के बयान के बाद माफी मांगने को लेकर भी भाजपा को निशाना साधा, और बलराज कुंडू इंद्रगढ़ गाँव में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। रोहतक के इंद्रगढ़ गाँव में पहुंचे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभय सिंह चौटाला को नसीहत देते हुए बयान दिया है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू बता दें कि रोहतक क्षेत्र के इंद्रगढ़ गांव के प्राचीन शिव मंदिर में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग की भी घोषणा की। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। इस बार अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। कोर्ट में पेशे से पहले साहिल नाम अंडर ट्रायल बंदी ने एक नुकीले हथियार से अपने हाथ की नस काट ली और अपने सर को चोट मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल घायल बंदी को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जनजातीय उप योजना के तहत 21 मिनी भेड़ों को सारनाल में लाभार्थियों को सौंपी गई। इस अवसर पर जिला विकास परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ गोरसी, जिला विकास आयुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला सहित अन्य संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। DDC ने कहा कि भेड़ पालन एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम है और प्रशासन इसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। उन्होंने भेड़ पालन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों को उचित सहायता और सहयोग प्रदान करें। भाजपा के राज्यसभा मेंबर और पूर्व पंजाब प्रधान श्वेत मलिक ने नवजोत सिंह सिद्धू के लखीमपुर खीरी में चल रहे धरना प्रदर्शन को सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया है। श्वेत मलिक ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू व अन्य कांग्रेसियों को वापस आकर अपना राज्य संभालना चाहिए। मलिक ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ सत्ता चाहते हैं और कहा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को 4.5 साल बाद सत्ता से उतारा तो अभी उनकी मंशा मुख्यमंत्री का पद पाने की ही थी। मलिक ने कहा कि कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले नशे के खिलाफ बोल बोल कर पंजाब को बदनाम किया, उड़ता पंजाब फिल्म भी बनवा दी, जबकि केंद्र व राज्य सरकार नशे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ऐसा जी की कानूनी प्रक्रिया हैगी है, तुसी मैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी का बंदा या प्रेस का बंदा या कोई भी भारतीय नागरिक कानून तो उपर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना वचन निभाया है। सो जो भी हाले दिस इज अंडर इनक्वायरी, ये मैटर अंडर इनक्वायरी है, इसका रिजल्ट आना है अंडर विच सरकमस्टांसेस ये सारा होया है। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह उजाला ने एक हाईवे का 19 करोड़ के बजट के साथ जो है शिलान्यास करने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष ने नवजोत सिंह सिद्धू की भूख हड़ताल पर निशाने साधे हैं, जबकि किसी के साथ भी हमदर्दी व्यक्त करना बुरी बात नहीं है। उजाला ने कहा कि यूपी में BJP सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, यहाँ तक कि किसी को पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा करने भी नहीं जाने दिया जा रहा।
और सिद्धू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू तो लोग पसंद करते हैं, भले ही वह इस्तीफा दे चुके हैं, पर कांग्रेस के वर्कर उनको आज भी वापस आने की अपील करते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।